हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आज मेरे साथ हैं अभिषेक मिश्रा सर, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आप सभी विद्यार्थियों का सीएलसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सीएलसी का ब्रह्मास्त्र, सीएलसी के एक यूनिक अप्रोच, सीएलसी टेस्ट सीरीज का पहला पड़ाव, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है स्टार्ट हो चुका है विद्यार्थियों, और वह है मिड सेशन टेस्ट सीरीज। और आप समझ सकते हैं ये तीन जो स्टेप्स होते हैं सीएलसी के, मिड सेशन टेस्ट सीरीज, उसके बाद बायोकैम, उसके बाद दंगल, और इनके माध्यम से सीएलसी हर विद्यार्थी के अप्रोच को, हर विद्यार्थी के डाउट को क्लियर करती है और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करती है, ताकि वो फाइनल एग्जाम के अंदर एक बेहतरीन सफलता को अर्जित करे, वो अपने सपनों को नई उड़ान दे सके और उसके दिल में जो जुनून है उसको वो जगा कर और अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। सीएलसी मिड सेशन टेस्ट सीरीज के द्वारा नीट और जेई, आप समझ सकते हैं कि उत्तरी भारत का एकमात्र कोचिंग जो नीट और जेई में पैरेलल काम करता है और पैरेलल बेस्ट रिजल्ट तैयार करता है। नीट के अंदर, नीट 2025 में मिड सेशन के थ्रू 69 टेस्ट करवाएंगे, 9,360 क्वेश्चंस, और 31 जनवरी से पहले बच्चे का 3 बार रिवीजन। इसी प्रकार आईआईटी जेई 2025 के लिए 57 टेस्ट, 4,860 क्वेश्चंस, जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट से पहले 3 बार रिवीजन। और आप समझ सकते हैं कि 12th के बच्चों का सिलेबस हो चुका है, हमारे यहां तो अच्छे से हो चुका है, बाकी भी कई जगह हो चुका होगा, तो उन बच्चों के लिए और वो बच्चे जो नियर बाई 500, 550 या 600, आप समझ सकते हैं कि नीट 2024 में या जेई के अंदर किसी कारणवश रह गए और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट में कमी है या हमें एनसीईआरटी अप्रोच में कमी है, तो सीएलसी का ये यूनिक अप्रोच, जहां सीएलसी ने अपडेटेड सिलेबस एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार टॉपिक वाइज और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, और इस मिड सेशन के बाद में बायोकैम और दंगल के थ्रू आपको हर तरीके से तैयार करेगी। तो आप सबको मतलब सीएलसी का ये यूनिक अप्रोच, ब्रह्मास्त्र, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। मिश्रा सर, आप बताएं कि किस प्रकार क्वेश्चंस तैयार हुए हैं, किस प्रकार इस पर काम हुआ है और कैसे क्वेश्चन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और नीट 2025 और जेई 25 के लिए उनको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार सिक्वेंस में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मिश्रा सर, थैंक यू चौधरी। क्वेश्चन तो ये है कि अपने हैंड रिटन क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, जैसा कि हम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ऊंच चूक आएंगे, मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है। इस वजह से हमारे जो टीचर है, जो टीम है, कंप्यूटर की टीम और हमारी टीचिंग टीम, दोनों का सामंजस्य और नए क्वेश्चन को बनाया जा रहा है जिसको आप तक पहुंचाया जाएगा। हर क्वेश्चन, हर पेपर में आपको 4-5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड मिलेंगे, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन, जैसे कि आपने वो स्टेटमेंट टाइप का मामले कई होते हैं, आपको उस टाइप से तैयार किया जाएगा कि आप इसमें कभी पेपर टफ आए तो आपको दुखी नहीं होना है, पेपर आसान आए तो खुश नहीं होना है, आपको सीएलसी के साथ चलते रहना है। जैसे एक छोटे बच्चे को उसका पिता गोद में उठाकर उछालता है लेकिन वो पकड़ लेगा, ऐसे ही आपको तैयार किया जाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। मतलब पूर्ण विश्वास आपको सीएलसी पे होना चाहिए, बिल्कुल। और भाई क्वेश्चन नियर बाय भी हो सकता है, जैसे कि 2024 में जिस प्रकार कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई और एनटीए के द्वारा, उसके बाद आप समझ सकते हो 25 में कुछ पेपर का अच्छा लेवल आ सकता है, या हर तरीके से विद्यार्थी हो तैयार और स्टेटमेंट ज्यादा है, तो इसका उद्देश्य है कि एनसीईआरटी हर स्टेटमेंट को तैयार किया जाए और आपको हर तरीके से पहुंचाया जाए। और इसका वीडियो सॉल्यूशन जो जिस टीचर ने मतलब जिस पेपर को बनाया है, और आप समझो सीएलसी की फैकल्टीज के द्वारा, जो पूरी टीम के द्वारा इसके वीडियो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें नियर बाय कॉन्सेप्ट और हर तरीके से आपका एक रिवीजन। भाई कई विद्यार्थी से हताश हो चुके हैं, भी नहीं हमसे अब अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, या फिर हम टाइमली अपने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, तो उनके लिए यूनिक अप्रोच है। मैं कहता हूं कि वो अपने दिल में एक जुनून जगा लें, सीएलसी का दामन थाम लें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, तो मिश्रा सर गारंटेड सफलता पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं सीएलसी के आइकॉन एंड सीएलसी नीट 2024 के अंदर 3 बच्चे जहां एम्स में गए हैं, ओजल राव जो रेवाड़ी हरियाणा की है, हरियाणा की गर्ल्स टॉपर भी है, फ्रेशर ये बच्ची हमारी सिलेक्ट हुई, दिल्ली एम्स में 715 मार्क्स इसने लिए थे। इस बार स्वीटी ढाका, और स्वीटी ढाका तो 600 नंबर थे, उसके बाद बोस के कहने से आप समझ रहे सीएलसी का फिर से दामन पकड़ा, और फिर आप जानते हो दिल्ली एम्स में 715 के साथ, और एक बच्चा आपका सुनील कुमार। इसी प्रकार पैरेलल जेई के अंदर आईआईटी बॉम्बे में प्रशांत मीना विद 12th, और मतलब ये घनेंद्र जोरासिया जो है वो आप सब विद 12th है, मुकुल यादव
तो ये सारे रिजल्ट और आप सीएलसी के वीडियोज के माध्यम से, हमारा जो वो श्रवण सीएलसी के माध्यम से आप वीडियोज देखते रहते हैं, और सीएलसी के सीओ साहिल सर और आप समझ सकते हैं सीओ समर सर और इन सब ने और पूरी टीम ने एक बहुत बड़े एनालिसिस के बाद लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को तैयार किया है, एक बेस्ट पेपर तैयार किए हैं और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को तैयार करना है तो बिल्कुल इन पेपर्स को आप दीजिएगा, इनका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा और आप सीएलसी के संग हो जाएगा। एक जो सीएलसी का है टेक्नो, यानी सीएलसी के अंदर आप जुड़ सकते हैं, टेक्नो का जो एग्जाम है प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसका मॉडर्न नाम हमारे समर सर ने दिया है टैलेंट एक्सप्लोरिंग सीएलसी नेशनल ओलंपियाड 2025, और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं clctechno.com, और उसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपका ये रहेगा, और इसके थ्रू अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सीएलसी के हर कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें स्कॉलरशिप तो है ही, बाकी अगर आप टॉपर्स आते हैं तो आप समझ सकते हैं अप टू 65 करोड़ की स्कॉलरशिप, 75 लाख कैश प्राइज और अप टू 100% स्कॉलरशिप, और आप समझते हैं सीएलसी ईमानदार से इस एग्जाम को कराती है और हर प्रतिभा को मौका देती है और उस प्रतिभा को खोजकर तलाशकर तराशने का एक महाभियान है और उसमें उस प्रतिभा तक पहुंचते हैं और उसको उसका उचित सम्मान मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है सीएलसी टेक्नो। हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ रितेश जांगिड, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आपका पहला मेडिटेशन है ये, इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। बेटा देखिए, ये मेडिटेशन जो है ये आप बड़े अच्छे से दीजिए, क्योंकि इसके अंदर आप ये देखेंगे कम से कम 31 जनवरी तक आपका 3 बार इसमें रिवीजन होता है, और सीएलसी के टेस्ट की क्वालिटी आप सबको पता है कि किस बेस के ऊपर किस तरह से बनाए जाते हैं। अब तक आप कभी भी पुराने स्टूडेंट से आप पूछिए, जो भी आपका एवरेज टेस्ट में आ रहा है नीट में उससे ज़्यादा ही आता, किसी का कम नहीं आता, इसलिए आप इनको बड़े अच्छे से टेस्ट को दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन टेस्ट के अंदर नहीं हो रहा है तो आप उसको दोबारा जाके सॉल्व कीजिए, किसी भी तरह से उसकी प्रॉब्लम जो है वो आप डाउट क्लियर कीजिए, जैसे वीडियो सॉल्यूशन के जरिए हो फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप डाउट काउंटर पे, अगर आप यहाँ के स्टूडेंट रहे बाहर के हैं तो वीडियो सॉल्यूशन से आप कीजिए, आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, आप इनको अच्छे से कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि जो नंबर आपके इसमें आएंगे उससे बहुत बेटर आएंगे, क्योंकि बहुत ही एनसीईआरटी बेस है और बहुत रिसर्च के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं उनको हमने बनाया है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि सभी का आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, फिर भी अपन सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, इन बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में अपन करेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर ए कार मूविंग ऑन ए रोड, सड़क पर कोई कार चल रही है तो इनमें से कौन से के रेस्पेक्ट में, ठीक है, निम्न में से किसके संबंध में विराम अवस्था में माना जाएगा, मतलब वो रेस्ट में रहेगी। तो डेफिनेटली अपन जानते हैं कि कोई भी रेफरेंस फ्रेम वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में अपन किसी बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई कार चल रही है उसी के अंदर कोई पर्सन बैठा है तो अपने को हमेशा रेस्ट में दिखाई देगा, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कार के अंदर ही कोई पर्सन बैठा है या कार से अटैच जो अपने पास रेफरेंस फ्रेम है उस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि कार के अंदर बैठे व्यक्ति के सापेक्ष जो निर्देश फ्रेम अपना है उसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। ओके, बिल्कुल इजी और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कह रहा है कि आपको वेलोसिटी वी दे रखी है, ओके, 1 से 2 सेकंड के बीच में इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की है वो अपने को साफ दिख रहा है कि इसमें वी टी इक्वल टू जीरो पर जो है वो जीरो होगा, इसके अलावा कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो वैसे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम, अपने को केवल डिस्टेंस पूछी गई है। तो अपन जानते हैं कि ये यहाँ पर v को लिख सकते हैं dx by dt 2t plus 3t square। तो अगर dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2t plus 3t square dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, और ये 0 से x हो जाएगा। तो ये आएगा आपका x 2, और ये आएगा t स्क्वायर बाई 2 3, ये आपका आएगा t³/3 और 1 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पर आप t की वैल्यू 2 पुट करेंगे 4, यहाँ पर 3 पुट करेंगे 8, माइनस t की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 1, तो ये आपके पास देख लीजिए कितना आ जाएगा 8 12 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 10 मीटर। ओके, तो इसका ऑप्शन हो गया अपना सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वी अपॉन डी टी दे रखा है अपने को, ठीक है, ये अपने को इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन दे रखा है, त्वरण दे रखा है। टी इक्वल टू जीरो पर ये विराम है, इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो। तो इसकी चाल या वेग जो है वो समय के साथ कैसे बदलेगा, तो सीधा सा अपन इसके सॉल्व करें
तो यहाँ पर डी वी अपॉन इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेटली 4 माइनस 2 वी और ये आ गया डी टी। इंटीग्रेट करते हैं 0 से t और ये मान लेते हैं 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, लेट आफ्टर सम टाइम या 20 के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v के इक्वल। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका अपन जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन आएगा वो लॉग में आएगा बेस ऑफ ई एंड दिस इज 4 माइनस 2 वी और अपॉन -2। उसके बाद ये होगा 0 से v और इधर अपने को साफ दिख रहा है t के इक्वल आएगा 0 से t। -2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, v की जगह v पुट करेंगे यही रहेगा तो लोगो बेस ही 4 माइनस 2 वी माइनस, जब 0 पुट करेंगे v की जगह तो ये अपने पास आ गया लोगो 4 और ये आ जाएगा -2t। यहाँ पर log m माइनस n का फॉर्मूला लगाएं तो लोगो बेस ही 4 माइनस 2 वी अपॉन 4 और ये आ जाएगा -2t। यहाँ से log को अपन रिमूव करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल पावर बन जाएगी तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2t अपॉन 4 और ई रेस टू दी पावर आ गया -2t। 4 को उधर ले जाए ठीक है तो यहाँ पर बच गया 4 माइनस 2t इक्वल टू 4e की पावर -2t। 2t इक्वल टू आ जाएगा 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -2t। अपने को वी है तो v की वैल्यू अपने को चाहिए, ये v था सॉरी, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 2 × 1 − e की पावर -2t। तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इस तरह से वेरी करेगी और ये अपना ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको x और t का ग्राफ दे रखा है। अब अपन जानते हैं x और t का अगर स्लोप लेते हैं, अपन इस ग्राफ का स्लोप लेंगे तो स्लोप होगा dx/dt और dx/dt का मतलब ये हो गई वेलोसिटी v। ठीक है वेलोसिटी v के इक्वल होगा। अब यहां पर देखो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, रॉन्ग कौन सा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताना है। तो यहां पर अपने को स्लोप देखो, ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो इस 0 से 5 तक वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव। लेकिन अगर स्पीड की बात करें स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती तो वो यहाँ पर भी पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो स्पीड इसकी पॉजिटिव है। ये कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो टी इक्वल टू 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंतराल के दौरान तात्क्षणिक चाल मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड नेगेटिव होगी और वो तो अपने को दिख रहा है कि स्पीड की बात करें तो भी पॉजिटिव है, इसमें तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो पहला स्टेटमेंट अपना जो है वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया। ठीक है टी इक्वल टू 0 से 5 सेकंड के अंतराल के लिए वेग और औसत वेग, तो यहां पर इसका वेग वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे जो स्लोप लोगे तो स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह अपने पास वेलोसिटी जो आएगी इंस्टेंटेनियस वो हो जाएगा आपका 10/5 मतलब कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर एवरेज की बात करो एवरेज वेलोसिटी की तो एवरेज क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो 0 से लेकर 10 तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और अपॉन टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या है सेम है तो ये आपका सही है। अब ये कह रहा है टी इक्वल टू 5 सेकंड पर अपनी गति की दिशा बदलता है, ठीक है एक्स बढ़ता गया 10 तक, उसके बाद 10 से क्या हो रहा है कम और 10 से कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है रिटर्न आ रहा है वो, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो फोर्थ भी आपका जो है 0 से 5 सेकंड के अंतराल में सभी समय पर तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग समय के सभी क्षणों पर धनात्मक होते हैं और ये है टी इक्वल टू 0 से स्लोप कैसा है पॉजिटिव, इंक्लिनेशन राइट साइड में होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो ये आपका फोर्थ भी सही है, फर्स्ट जो है आपका रॉन्ग है। ओके नेक्स्ट, ये कोई बॉडी है जो इस पाथ पे चल रही है ओ ए बी ए और ये कर रहा है कि नियत चाल कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड से वेलोसिटी अपन जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो आप देखो ओ से बी तक न तो स्पीड चेंज हो रही न डायरेक्शन चेंज हो रही तो यहां पर ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो गई।
ओ से ए तक देखो, ओ से ए तक भी न तो स्पीड चेंज हो रही है, नई डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी कैसी हो गई कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी एक्सीलरेशन कितना आएगा जीरो। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ चल रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा डेफिनेटली। ओके, तो आप ये देखिए सेकेंड ऑप्शन को देखें, पथ ओ ए बी ऊपर वस्तु का त्वरण शून्य, बिल्कुल सही बात है। ए से बी तक इसका कुछ ना कुछ त्वरण होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर आपका आंसर होगा, क्योंकि दो और तीन दोनों ही सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है टी बराबर इक्वल टू जीरो पर एक्स बराबर इक्वल टू थ्री पर था, तो एक्स इक्वल टू थ्री ठीक है मीटर पर एक्सीलरेशन कह, टी इक्वल टू तीन सेकेंड पर कण का पोजिशन पूछिए ठीक है। अब यहाँ पर स्थिर अवस्था स्थिर त्वरण के साथ चल रहा है, विराम से चल रहा है, तो अपन सेकंड इक्वेशन को इस तरह से यूज करें, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन, u इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वन बाई टू एक्सीलरेशन आपका चार और ये तीन का स्क्वायर, तो ये तो आपका आ गया थ्री, ये आ गया टू और नाइन एटीन और ये आपका आ जाएगा 21 मीटर, तो ये x इक्वल टू 21 मीटर पर होगा। ओके, तो आपका आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण की वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर आपको दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड, इसके 5 सेकंड बाद टी प्लस 5 सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड जो है वो चेंज हो गई, तो एक्सीलरेशन हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन आ गया, पहली बात तो ये। अब ये कह रहा है कि दिए गए क्षण से 4 सेकेंड पहले इसका वेग क्या था, जो आपको टाइम टी दे रखा है उससे 4 सेकेंड पहले, इसका मतलब टी माइनस 4 पर, यहाँ पर वेलोसिटी भी जो है ये 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मान लेते हैं यू, तो अपन फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से यहां तक अगर अपन देखें तो यहां पर ये अपनी फाइनल वेलोसिटी हो गई 15, इनिशियल वेलोसिटी आपको 4 सेकंड पहले की पूछ रहा है u, प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 इंटू यहां से यहां तक का टाइम कितना है 4 सेकंड 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो गया, तो u की वैल्यू आ गई प्लस 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, कोई बॉडी जो है वो शुरू में विराम में है, मतलब रेस्ट में है, एक साथ त्वरण के एक नियत त्वरण के साथ गति कर रही है, 10 सेकंड के बाद इसका वेग जो है ये हो गया, तो वापस इसके अंदर अपन एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल थी 0 अपॉन 10, तो कितना आ गया 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट के 2 सेकेंड में, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो अपन क्या कहते हैं लास्ट के 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस 8 सेकेंड में, टोटल 8 सेकेंड में कितना हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अपन सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, ए आपका कॉमन ले लेंगे यहाँ से अपन, तो हाफ ए तो अपना आ गया कॉमन, तो यह आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो गया 100 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 1/4 और इंटू ये आ गया आपका 36, सॉल्व करने पर ये आ गया 9 मीटर पर सेकंड, तो लास्ट के 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 9 मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को 100 मीटर ऊंची इमारत से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया, तो यहाँ पर पहले से ही आप यहाँ पर बिल्डिंग जो है उसकी हाइट 100 मीटर है, ऊपर की तरफ फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से क्या होगी, तो 100 मीटर तो आपकी ऑलरेडी है ही, अपने को केवल ये चाहिए मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, ये इनिशियल थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपकी हो गई 10, इसका स्क्वायर माइनस 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ गई 100 अपॉन 20, मतलब कितना आ गया 5 मीटर और आ गई, इसका मतलब 100 मीटर ऑलरेडी थी, 5 मीटर ये और ऊपर चली जाएगी, तो टोटल कितना आ गया आपका 105 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, अब वापस वही एक्स टी ग्राफ आपको दे रखा है, वी टी ग्राफ चाहिए, तो अगर अपने को वी चाहिए तो वी अपन जानते हैं किसके इक्वल होगा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, एक्स और टी का कर्व का स्लोप। अब एक्स और टी में जो ग्राफ आ रहा है ये आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप अपन जानते हैं कितना होता है, जीरो, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, तो वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई, तो जीरो वेलोसिटी, देख लो आपको कौन से ग्राफ में दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है ये ग्राफ यहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो अपना ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके वही ग्राफ के ऊपर ही है, एक्स टी ग्राफ अपने को दे रखा है और वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग वापस वही स्लोप के इक्वल होगा, स्लोप dx by dt, dx by dt वेलोसिटी आ गई, ये पूछ रहा है पर्टिकुलर t इक्वल टू t1 पर, तो यहां पर स्लोप पूछ रहा है तो टेंजेंट यहां बनाएंगे, टेंजेंट जो आया अपना हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप अभी अपन ने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा कितना, जीरो, तो यहां पर भी जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, जीरो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, तो अपन इसमें फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज करें तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू हो गया u माइनस जी टी, आप इसको यूं लिख ले माइनस जी टी प्लस यू, ये अपने को साफ दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई है, mx प्लस c, c आपका हो गया इंटरसेप्ट, प्लस में आएगा यहां दिख रहा है ये साफ साफ, ठीक है, क्योंकि v और t में ग्राफ बनाना है तो दोनों की पावर 1 है, तो ये तो साफ हो गया कि स्ट्रेट लाइन आएगा। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप देख लो, स्लोप यहां पर आपको दिख रहा है m जो है वो माइनस जी, मतलब नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब इंक्लिनेशन लेफ्ट साइड में आएगा, तो इसका इंक्लिनेशन लेफ्ट साइड में पहले ग्राफ का दिख रहा हो तो किसी का है नहीं, तो यहां पर ये आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। और वैसे भी आप देखो किसी बॉडी को आपने ऊपर थ्रो किया, फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो, तो वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 कितनी हो गई, जीरो, उसके बाद बॉडी वापस आएगी, स्पीड इंक्रीज होगी लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, पहले के अपोजिट, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले के क्या हो गया, अपोजिट आ गई, तो अपना ग्राफ ये आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ए और टी में ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इनिशियली पार्टिकल जो है एट रेस्ट विराम अवस्था में अधिकतम चाल, यहां पर देखो पहले तो कॉन्स्टेंट है फिर कम हो रहा है, कम होके यहां हो गया जीरो, और उसके बाद एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम स्पीड वहां पर होगी जहां पर एक्सीलरेशन जीरो हो गया, ठीक है, उसके बाद में उसको एक्सीलरेशन जो हो अपोजिट डायरेक्शन में कम होगा तो वो इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, लेकिन अपन तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसकी टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब अपन जानते हैं एरिया ऑफ ए टी कर्व, ए और टी के ग्राफ का एरिया जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो दे रखी है, फाइनल अपने को चाहिए, तो एरिया अपन ये पूरा लेंगे 2 सेकेंड तक, तो यहां से यहां तक देखो आप ये आ गया 1.5 × 10, तो ये तो आपका रेक्टेंगुलर हो गया, तो इसका तो हो गया 15 प्लस 1/2, ये ट्राइंगल हो गया, बेस कितना हो गया 0.5 मतलब 1/2, और ये आ गया 10, वी फाइनल आपको पूछा है इनिशियल कितनी, जीरो, इसको सोल्व कर लेते हैं 15, और ये आपका 10/4 मतलब 2.5, तो वी फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी या मैक्सिमम बोल सकते हो, इट इज 17.5 मीटर पर सेकेंड आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। ओके तो इसका आपका ऑप्शन आंसर सही आ रहा है आपका फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ए और टी का ग्राफ है, आपको वी और टी में पूछ रहा है, तो अगर अपन वी और टी का स्लोप देखें, स्लोप ऑफ वी टी कर्व, तो वी टी कर्व का स्लोप डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी अपन जानते हैं किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन। अब आप देखिए यहां पर 0 से 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये आपके पास ए अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब यहां पर सीधा सा मतलब हुआ कि आपका स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो अब वी और टी में ग्राफ ऐसा आना चाहिए कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट भी हो और पॉजिटिव भी हो, कांस्टेंट स्लोप होता है किसका, स्ट्रेट लाइन का, और पॉजिटिव कब आएगा, जब इंक्लिनेशन किधर हो, राइट साइड में, तो यह दिख रहा है।
उसके बाद में एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया लेकिन है कांस्टेंट, तो इसका मतलब ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए लेकिन उसका इंक्लिनेशन किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि यहां पर स्लोप के इक्वल आ रहा है और यहां पर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव यहां से यहां तक ये आ गया, तो डेफिनेटली ए वी और टी में ग्राफ आपका फर्स्ट आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी आपको बोल रहा है या तो वीबी या वीएबी, वीएबी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर ये कह रहा है कि दोनों जीरो हैं, दोनों जीरो होने का मतलब जो है वो आपका ग्राफ जो है वो एक्स और टी में ग्राफ बनाओगे, सॉरी एक्स और टी में अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए कहीं से भी, वो हो सकता है यहां से हो कहीं और से हो। अगर ए की वेलोसिटी ये मानो, बी की वेलोसिटी मतलब पैरेलल ग्राफ मान लो, क्योंकि देखो वी ए बी इक्वल टू होगा वी ए माइनस बी बी, और ये कह रहा है कि ये जीरो है आपका, तो जीरो तभी आएगा जब दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम, दोनों की वैल्यू सेम, और अब अपने को दिख रहा है वी जो आ रहा है वो एक्स और टी के स्लोप के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम, स्लोप सेम है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी जो आएगी उसका ग्राफ जो है या एक्स और टी का जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल पैरेलल लाइंस आएंगी एंड विद सम एंगल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से किसी न किसी एंगल पर होंगी, मतलब किसी न किसी इंक्लिनेशन पर होंगी, तो सीधा सा समांतर सरल रेखाएं पैरेलल लाइंस लेकिन झुकी हुई मतलब इंक्लाइन होंगी किसी न किसी टाइम एक्सिस के साथ, किसी न किसी एंगल पर आएगी। ओके नेक्स्ट देखो इसको डायरेक्शन से देखें अपन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये जे कैप होता है, ये आई कैप होता है, माइनस जे और माइनस आई। देखिए एक पर्सन जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, ठीक है, दक्षिण की ओर 20 मीटर पर सेकंड से एक कार इसको क्रॉस करती है, कार इसको यूं चल रही है दक्षिण में, कार ये कह रहा है कि कार का वेग बताना है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब अपने को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो ये आएगा वी सी माइनस वी एम, कार की वेलोसिटी किधर है, साउथ में, और ये दे रखे 20, तो इसको लिखेंगे माइनस 20 जे कैप, माइनस मैन की किधर है, नॉर्थ में, और ये 10 और ये जे कैप, तो ये कितना आ गया माइनस 30 जे कैप, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल रिलेटिव वेलोसिटी, तो आपका ऑप्शन आ गया इसके अंदर फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दे रखा है, ओके और अब आप अपने को इसको एक्सीलरेशन वगैरह के बारे में इसमें पूछ रहा है, या जो भी कॉलम फर्स्ट में उनको मैच करना है सेकंड से। देखो कॉलम फर्स्ट कह रहा है कि मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पहली बात तो ये, वापस यहां पर देखो वी और टी में ग्राफ आ रहा है, तो इसका अगर स्लोप देखेंगे तो डीवी बाई डीटी, और ये अपन जानते हैं एक्सीलरेशन, इंक्लिनेशन राइट साइड में, यहां पर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पर ए की वैल्यू नेगेटिव, ये भी ए की वैल्यू नेगेटिव, यहां ए की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन यहां वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, यहां से यहां तक वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आपको ये कह रहा है कि मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, वी भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सीलरेशन भी, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव यहां पर है और एक यहां पर है, लेकिन ये वेलोसिटी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव में, यहां पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका जो फर्स्ट आया ए उसका ऑप्शन आपका होना चाहिए 0 से 2 सेकंड, तो टी इक्वल टू 0 से 2 सेकंड आपको दिख रहा है 4, इसका मतलब ए तो आपका ये हो गया, ए 4 आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम टी एंड देन रिटर्न बैक, ठीक है, तो रिटर्न बैक जो आ रहा है वो आप देख लीजिए इसमें कौन से के अंदर आ रहा है, तो आपका 2 से 4 सेकंड तक आप देखो, 2 से 4 सेकंड तक यहां पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीज हुई, जीरो हुई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी तभी पार्टिकल हमेशा रिटर्न होगा, तो इसका मतलब रिटर्न जो है वो वाला केस ए से लेकर कहां तक आ गया, सी तक, मतलब 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, तो आपका जो 2 से 4 सेकंड इसका मतलब बी आपका ये हो गया, ठीक है, तो ए 4 हो गया, बी आपका 1 हो गया, ए 4 बी 1, ये दो ऑप्शन है। अब बाकी आगे और सेलेक्ट करने हैं अपने को,
ठीक है। अब आप देखिए, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, साफ दिख रहा है, मैंने अभी बताया दिया नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलेरेशन 4 से 6 तक कहां तक है आपका पॉजिटिव, तो 4 से 6 इसका मतलब आपका सी ये हो गया, तो C2 हो गया, इसका मतलब A4 B1 C2, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर 4 होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, किसी वस्तु के एक विमीय गति में पथ की लंबाई विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है यदि गति की दिशा है, पर बिल्कुल सही है। अगर अपने 1D मोशन है, A से B तक बॉडी जा रही है, रिटर्न नहीं होती, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगी, अगर वो रिटर्न हो गई तो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ए तो आपका सही है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। बी को और देखते हैं, आर को और देखते हैं रीजन को। सरल रेखीय गति में वस्तु की दिशा निश्चित रूप से 2 बार बदलती है, ये तो कोई जरूरी नहीं, बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है, 1 बार भी बदल सकती है, 2 बार भी, वो तो डिपेंड करेगा मोशन किस टाइप का है, तो ये आपका कोई अपना रीजन जो है वो आपका गलत है। तो ए तो आपका सही है लेकिन बी आपका गलत है, इसका मतलब आर आपका गलत है, तो ये आपका ऑप्शन या आंसर अपना 2 होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी है, आपको ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आर इक्वल टू आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल है, फाइनल नेगेटिव होगा, इनिशियल पॉजिटिव हो, तो ये आप देखो इसमें वो ऑप्शन से डायरेक्टली देखते हैं। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, फाइनल हो गया आपका -3, जो भी डायरेक्शन है -7, ठीक है, तो ये आपका आ गया -10, तो डेफिनेटली नेगेटिव सेकंड में आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर वेग यहां से यहां तक हो जाता है, तो इसका एवरेज एक्सेलेरेशन बताना है, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम, वी फाइनल आपका हो गया 2i cap - 3j cap - 2i cap + 3j cap, और टाइम आपको लग रहा है 2 से 2 कैंसिल, तो -6j/2 मतलब -3j cap, तो आपका आंसर आ गया 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गुब्बारा जो है वो यहां से राइज कर रहा है, एक्सीलेशन आपको दे रखा है 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में ये जो है ये कितने हाइट कवर कर लेगा वो देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2, एक्सेलेरेशन कितना है 4.9, और इनटू ये आपका आ गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आएगा 9.8 मीटर, तो 9.8 मीटर तो आपका पहले एच ही आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से इसको एक ड्रॉप करोगे पत्थर को या कोई भी बॉडी को, तो जो वेलोसिटी इसकी बैलून की होगी, गुब्बारे की होगी, वही वेलोसिटी उस पार्टिकल, क्योंकि जब पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो अब यहां पर ये देख लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी देखें तो v = u + at, इसको v मान लो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, एक्सीलेशन 4.9 और इंटू 2, तो ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब कितनी हाइट कवर की मान लेते हैं, उसके बाद में हाइट कवर की इसने h-, ठीक है, या अपन थर्ड इक्वेशन कर लो, थर्ड इक्वेशन v² / 2g से कर लो, ये आएगा, तो v² / 2g थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो ये आएगा, आपकी यहां पर वेलोसिटी आ गई 9.8 और 2 × 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.9 मीटर, तो ये पत्थर 4.9 मीटर तक उड़ जाएगा, 9.8 ही हो गई, इन दोनों को ऐड कर लो, तो डेफिनेटली यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे 9.8 + 4.9, तो 7 आ गया 14.7 मीटर, तो ग्राउंड से टोटल हाइट तक जो आएगा 14.7 मीटर, आपका ऑप्शन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेशन जो है वो bt के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो यहां पर एक्सेलेरेशन को लिख देते हैं dv/dt bt, इंटीग्रेट करेंगे तो dv, बी कांस्टेंट है, t dt, 0 से t, इनिशियल वेलोसिटी आपको v नोट दे रखी है, तो v नोट से v, अब इसको सॉल्व करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v, तो v - v नोट आएगा लिमिट लिखने के बाद, ये हो गया t² / 2, लिमिट लिखोगे तो वही t² / 2 आएगा। अब आपके पास v की वैल्यू आ गई, v को क्या लिख सकते हो, dx/dt,
वी नॉट को इधर ले जाओ, बी टी स्क्वायर बाई टू। अब आपको एक्स चाहिए, डी एक्स जीरो से एक्स वापस इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू और जीरो से टी। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, डी टी यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट आपका कॉन्स्टेंट है तो यह आ गया वी नॉट टी, लिमिट रखोगे तो टी आएगा क्योंकि जीरो से टी तक है। इसके बाद टी स्क्वायर का करोगे, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यू बाई थ्री, टू ऑलरेडी है तो यह आपका आ जाएगा कितना, बी टी क्यू बाई सिक्स। तो एक्स की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, तो आपका ऑप्शन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही रिलेटिव वेलोसिटी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, वही आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। देखो ट्रेन चल रही है पूर्व की ओर वी टी, कार चल रही है उत्तर मतलब नॉर्थ में, कार चल रही है इधर, दोनों की स्पीड सेम है। रेलगाड़ी में यात्री के लिए कार की दिशा प्रेक्षित होगी, देखो ट्रेन वाले को अपीयर हो रही है, कार की वेलोसिटी पूछिए किसको, ट्रेन को, तो जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें या जिसको अपीयर हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो यहां पर अपन कैलकुलेट करेंगे कि ये बोल रहा है कि ट्रेन के जो पैसेंजर है उसको कार की जो है वो दिशा क्या प्रतीत होगी, इसका मतलब अपन वेलोसिटी ऑफ कार कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो यह आ गया वी सी माइनस वी टी, दोनों की स्पीड सेम है, वी कार किधर चल रही है जे कैप माइनस ट्रेन आई कैप, तो वी आ गया आपका तो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप, इसका मतलब ये आपका जो वी सी टी है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन आपके हो गई नॉर्थ वेस्ट मतलब पश्चिम उत्तर। ओके नेक्स्ट, ये कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। पहले की बात करें, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती, पहला पॉसिबल नहीं है। सेकंड भी पॉसिबल नहीं है, पहले टाइम जो है इधर जा रहा है तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज, टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता। या दूसरे तरीके से समझो, इस टाइम के ऊपर आपको पोजीशन पूछी जाए तो एक ही टाइम पर दो पोजीशन आ गई, इस टाइम पर एक पोजीशन ये हो गई एक ही हो गई, एक ही टाइम पर दो पोजीशन दो वेलोसिटी कभी नहीं हो सकती, तो आपका ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। सेम ये कंडीशन है, एक ही टाइम के ऊपर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर एक वेलोसिटी ये हो गई एक वेलोसिटी ये हो गई, या टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता तो ये पॉसिबल। यहां पर भी आप देख लो, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, यहां पर आपको दे रखा है स्पीड चाल, चाल कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये ग्राफ भी आपका पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कोई भी ग्राफ इन चारों में से पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा फोर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक सिंपल है बिल्कुल, डीवी बाई डी टी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब इसमें तो आ गया फर्स्ट, ये आप जानते हैं v का मैग्नीट्यूड क्या हो गया स्पीड, तो इसका मतलब ये जो है स्पीड में चेंज की रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड चाल में परिवर्तन की दर, तो ये आपका आ गया फोर। dr अपॉन dt अपन जानते हैं वेलोसिटी, ये आपका आ गया सेकंड, बाकी बच गया कौन सा थर्ड, ये वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड, तो आप देख लीजिए फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड, तो आपका ऑप्शन आ रहा है कौन सा सेकेंड। ओके नेक्स्ट, मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती और पाती है कि 47 सीढ़ियां काम नहीं कर रही हैं। देखो ये मान लो एस्केलेटर है, ठीक है लेंथ मान लेते हैं एल, ये यहां पर वी वन वेलोसिटी से चल रही है कि ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब खुद चलकर जा रही है, तो यहां पर इसके जो टाइम लगा टी वन वो आ जाएगा एल अपॉन वी वन, तो वी वन की वैल्यू आपकी आ गई एल अपॉन टी वन। सेकेंड केस के अंदर ये है कि एस्केलेटर चल रहा है, मान लो वेलोसिटी वी टू से चल रहा है और पर्सन जो है वो इस पे खड़ा है, तो ये इस पे एस्केलेटर इसको ऊपर ले जाएगा, डिस्टेंस वही कवर करनी है। अब कह रहा है टाइम लग रहा है T2, तो वही L अपॉन V2, तो V2 की वैल्यू आपकी आ गई L अपॉन T2। अब ये कह रहा है कि चलते हुए एस्केलेटर पर ऊपर कितने टाइम में, ये एस्केलेटर V2 से चल रहा था
पर्सन इस पर चल रहा था पहले वी वन से, ये लेंथ है। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी मैन की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आएगी आपकी वी वन प्लस वी टू, ठीक है। तो यहां पर टाइम टी अगर माने तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वी वन प्लस वी टू। तो वी वन प्लस वी टू की वैल्यू आपकी आ गई एल अपॉन टी। वी वन और वी टू की ये जो वैल्यूज हैं ये अपन यहां पुट करते हैं, तो यहां पर आ गया एल अपॉन टी वन प्लस एल अपॉन टी टू एल अपॉन टी। सॉल्व कर लेते हैं, एल कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आप ये आएगा टी इक्वल टू टी वन इंटू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, थर्ड, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, देखो ये कह रहा है यदि किसी समय अंतराल में औसत चाल और औसत वेग का परिमाण समान है, औसत चाल और औसत वेग का परिमाण समान है तो डेफिनेटली पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विदाउट रिटर्न, वो रिटर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर करंट जो पार्टिकल है वो यो चल के स्ट्रेट लाइन पे चल के वापस आ गया तो स्पीड और जो औसत कह सकते हैं औसत चाल और औसत वेग, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होंगे तो रिटर्न नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कण को शून्य त्वरण के साथ चलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं त्वरण हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। तो ये दोनों तो एक्सीलरेशन के बारे में कर रहे हैं, कण को स्थिर होना चाहिए नहीं, कण को बिना मुड़े एक सीधी रेखा में चलना चाहिए तो ही ये दोनों क्या है वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज किसी केस में इक्वल नहीं होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल रहा है, ये कह रहा है कण का वेग शून्य होने पर त्वरण, तो जब इसकी वेलोसिटी जीरो तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करें उसको जीरो करें, वेलोसिटी वी अपन जानते हैं कितना होता है डी एक्स बाई डी टी, इसको अपने को जीरो करना है तो ये आपके पास आ गया माइनस 60 स्क्वायर प्लस 60 और इक्वल टू जीरो, 60 आपका कॉमन आ गया, माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो एक तो टी इक्वल टू जीरो आ गया और टी इक्वल टू 1 सेकेंड, इनिशियल के बाद में 1 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो। इस टाइम आपको एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ए अपन जानते हैं क्या होता है डीवी बाई डीटी, एक बार और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 12t और प्लस का 6। अब टी इक्वल टू 1 सेकंड पे पूछा है तो सिंपल सा है माइनस 12t आएगा, सॉरी 12t प्लस 6, तो 12 इंटू 1 प्लस 6 तो ये आ गया माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, यदि किसी समय अंतराल में सीधी रेखा पर गतिमान कण का औसत वेग शून्य है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल वापस आया, पार्टिकल वापस तभी आएगा जब कहीं कहीं वो रुके, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए जीरो, तो डेफिनेटली इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो पार्टिकल रिटर्न होगा, वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो होगी ही होगी तो ही पार्टिकल रिटर्न होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो त्वरण शून्य होना चाहिए, एक्सीलरेशन जीरो कोई जरूरी नहीं होता, किसी क्षण पर कण का किसी क्षण वेग किसी क्षण पर शून्य होना चाहिए, ये ठीक है आपका, तो ही ये क्या होगा रिटर्न होगा। ओके हाँ, वी इक्वल टू एल्फा रूट एक्स के साथ बदल रहा है, कौन सा ग्राफ समय टी के साथ उसके त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर देखो वी जो आ रहा है आपका वो x का फंक्शन है तो एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, v की वैल्यू आपकी एल्फा रूट एक्स डी बाई डी एक्स और ये आ गया एल्फा रूट एक्स, तो आपका ये एल्फा रूट एक्स इंटू एल्फा कॉमन रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा, ये यहां से ये कैंसिल तो आपका ये आ गया एल्फा स्क्वायर बाई टू, मतलब कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तो आपका आंसर आ गया इसमें कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के ऊपर से गिराया गया पत्थर अंतिम सेकंड में जो टोटल हाइट है उसकी 5/9 कवर करता है तो टोटल टाइम पूछा है, मान लेते हैं टोटल हाइट एच है और यहां से गिराया तो u इक्वल टू जीरो, ये लास्ट का एक सेकंड है, इसमें डिस्टेंस कवर हो रही है 5/9, तो एक इक्वेशन तो अपन a से b
ये बी मान लेते हैं सी, एक तो ए से सी बनाते हैं ताकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो हाइट कितनी एच, टोटल टाइम लगा कितना टी मान लेते हैं यहां से यहां तक का टोटल टाइम टी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, या आ गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर। सेकंड केस आप अपन ए से लेकर बी तक ले लेते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक लोगे तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वरना यहां पर अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और यहां से अपन यहां तक ले रहे हैं, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक लेंगे तो अपनी जो डिस्टेंस कवर हुई वो एच माइनस फाइव एच अपॉन नाइन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये लास्ट का एक सेकंड है, ये टोटल टाइम टी था, तो ए से बी तक का हो गया टी माइनस वन, तो ये आ जाएगा हाफ जी और टी माइनस वन का स्क्वायर। इसको अपने को सॉल्व करना है, तो आप देखिए यहां पर बच जाएगा ये फोर एच अपॉन नाइन इक्वल टू हाफ जी टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है, डिवाइड कर दो वन बाई टू, वन बाई टू करोगे तो देखो ये आएगा नाइन बाई, सॉरी ये कितना बता, फोर एच, सॉरी ये तो यहां तो फाइव है, तो ये आ गया फोर एच अपॉन नाइन, तो वन बाई टू करोगे तो ये आएगा नाइन बाई फोर, हाफ ये कैंसिल हो गया हाफ जी टी और टी माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो ये आ गया थ्री बाई टू, रूट कर देते हैं टी अपॉन टी माइनस वन, तो थ्री टी माइनस थ्री इक्वल टू टू टी, तो टी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, थ्री सेकेंड, ओके, तो टी इक्वल टू थ्री सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट की सर, हाँ ये कह रहा है कि कौन सा मंदन रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है, डीएक्सीलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ग्राफ आपका है एक्स और टी में, एक्स और टी का अगर स्लोप लोगे तो स्लोप होता है डीएक्स बाई डीटी, ये अपन जानते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका मतलब यहां पर डीएक्सीलेशन हो रहा है, इसका मतलब वी की वैल्यू कम होनी हो रही है, वी की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहां पर इस ग्राफ का स्लोप कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा, क्योंकि टेंजेंट आप यहां बनाएंगे, एंगल कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, ये कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ में आप देखते हो एंगल यहां पर आया, ये टेंजेंट बनाया तो एंगल ये आया हॉरिजॉन्टल से, यहां पर बनाओगे एंगल ये आया, कंटिन्यूअस एंगल की वैल्यू टेंजेंट का जो एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब यहां पर पार्टिकल क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक कण इस प्रकार गति कर रहा है कि उसकी स्थिति के लिए टी इक्वल टू जीरो पर ये, दो सेकंड पर ये, पांच पर ये। अब आपको ये पूछ रहा है जीरो से पांच तक औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो अपने को एवरेज वेलोसिटी में केवल फाइनल और इनिशियल से मतलब होता है, कहां से आया, कौन से पोजीशन पे गया, पहले बीच में कहां गया, उससे कोई मतलब नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी जो आएगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी आपकी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई टाइम, ठीक है। तो फाइनल आपकी देखिए क्या आ गई, 13 14, तो 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस ये टी इक्वल टू जीरो पर 2i कैप प्लस 3j कैप और अपॉन टोटल टाइम कितना लग गया 0 से 5, तो 5 हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये बच गया 11i कैप, 14 माइनस 3 ये भी 11 बच गया, j कैप अपॉन 5, 11 आपका कॉमन आ गया 11 बाई 5, तो ये आ गया i कैप प्लस j कैप, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एवरेज के अंदर अपने को इनिशियल और फाइनल पोजिशन से ही मतलब होता है, बाकी कौन सी पोजिशन पर बीच में कहाँ गया उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ए और ए माइनस बी के बीच में एंगल, ये आपका ए है माइनस बी इधर है, तो डेफिनेटली अपना ए माइनस बी वाला वेक्टर ये है। अब देखिए अगर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा और इनका रिजल्टेंट ये है सी बोलते हैं, ये अल्फा मान ले, तो अपन जानते हैं, या इस बी को अगर मैं यहां डिस्प्लेस करूं तो बी अपना एक्चुअल में ये है और एंगल थीटा ये टोटल है, तो टेन अल्फा अपन सब जानते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू होता है क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोसो थीटा, ठीक है। अब देखो ये आपका वेक्टर ए है और ये बी,
अगर आप अपने को ये पूछा जाए ए और बी के बीच में एंगल कितना है, तो देखो टेल से टेल मिलाएंगे या हेड से हेड, तब आता है। ये आपके पास यहाँ पर इसका हेड है और इसका टेल बी का, इसको अगर मैं आगे की तरफ इंक्रीज कर दूँ तो ए अपना ये हो गया। अब बी का माइनस बी का और ए का टेल से टेल मिल गया, तो ये एंगल अपने को चाहिए और डेफिनेटली साफ दिख रहा है ये 120 आएगा, ये एंगल 60 होगा, ये पूरा 120। तो कहने वाला ए और माइनस बी के बीच में अपना जो एंगल आ रहा है वो आपका 120 डिग्री आ रहा है, मतलब अपने जो थीटा की वैल्यू है वो 120 डिग्री आ रही है। यहां पर इनके जो है ए और बी, इनके मैग्नीट्यूड ही लिखने अपने को, ओके। तो अब रिजल्टेंट सी किसी एक से अल्फा एंगल बना रहा है, यहां पर रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो अपने को टेन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टेन बीटा इक्वल टू अपना क्या है, बी, मैग्नीट्यूड लेना है इसका साइन 120 अपॉन ए प्लस बी और कोस 120। ओके, वैल्यू पुट देखते हैं, ये आ गया बी साइन 120 की वैल्यू रूट 3/2 अपॉन ए प्लस बी, ये आएगा कोस 120, कोस 120 की वैल्यू -1/2। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। तो आपके पास ये बच गया रूट 3b अपॉन 2a-b, ये आपका टेन बीटा आ गया। तो बीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट 3b अपॉन 2a-b के इक्वल, और ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, थर्ड। ओके, तो आपका आंसर होगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट इनमें से सही बताना है। पहले की बात करें, पहले में भी तो यहां से टेन थीटा देखोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टेन थीटा इक्वल टू यहां पर आएगा वी वाई बाई वी एक्स, जबकि अपने को क्या दे रखा है वी एक्स अपॉन वी वाई, ये गलत हो गया। आर इक्वल टू एक्स आई, एक्स आई कैप, ओनली आई कैप, इसका मतलब 1D मोशन हो गया, जबकि यहां पर क्या बोल रहा है, प्लेन के अंदर मोशन, समतल में मोशन, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। अगर मैं यहां पर इसको यूं मानूं, ये वेक्टर इधर, ये इधर और ये इधर, तो यहां पर अगर वेक्टर सम यूज करें तो देखिए आपके पास क्या आएगा, R1 प्लस AB, इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, R2 के। तो यहां से अगर अपन AB की वैल्यू देखें तो किसके इक्वल आ रहा है, R2 माइनस R1 के। तो आप देख लीजिए, और वही आपको दे रखा है, इसका मतलब अपना ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। ओके, एक गेंद को टावर के शीर्ष से क्षैतिज दिशा में, तो किसी टावर से हॉरिजेंटली इसको थ्रो किया किसी वेलोसिटी वी नॉट से, तो इसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। कितने टाइम के बाद क्षैतिज से हॉरिजेंटल से, मान लो कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी वी हो गई, ये कह रहा है ये 60 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब हॉरिजेंटल में तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को वी डैश मान लें या वी वाई लिख लो, तो अपन अगर टी टाइम लगा इसको यहां से यहां तक, तो वी वाई डायरेक्शन में अपन सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, वाई डायरेक्शन में जी हो गया, टाइम लगा टी, ठीक है। तो ये वी वाई, अब अपन अगर यहां से ये कह रहा है टेन 60 लें, टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 60 इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ये हो गया रूट 3, वी वाई की वैल्यू आपकी जी टी आ गई, ये आपकी कॉन्स्टेंट है, इसको वी वाई मान लेते डैश की जगह। ओके, तो आपने वो टाइम पूछा था, सीधा सा दिख रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट 3 वी नॉट अपॉन जी के इक्वल, तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा रहा आपका, सेकेंड। ओके, वी की वैल्यू, वी की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है। देखो एक जहाज, एक का कप्तान वेग इतने के साथ यात्रा कर रहा है, ए की वेलोसिटी आपको दे रखी है, दूसरे जहाज बी का वेग ये प्रतीत होता है, देखो बी का वेग प्रतीत हो रहा है किसको, ए को, ए को प्रतीत होना या अपीयर होने का मतलब ए रेस्ट में, मतलब ए के रेस्पेक्ट में, मतलब आपको VBA दे रखा है, VBA की वैल्यू है ये आपकी, तो VBA इक्वल टू VB माइनस VA,
अपने को पूछ रहा है बी का रिलेटिव एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब आपको वी बी कैलकुलेट करना है। तो वी बी की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, वी बी ए प्लस वी ए। वी बी आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 12j कैप माइनस वी ए, ए की वेलोसिटी आपके इधर रखिए 3i कैप माइनस 4j कैप। तो यहां से आ जाएगा 8i कैप और प्लस का 8j कैप। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो जिसको अपीयर हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी होती है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब उसको रेस्ट में रखना है, रेस्ट का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, हाँ, एक लड़का अपने हाथ में एक लंबी खोखली नली को लेकर समतल सड़क पर वी वेग से दौड़ रहा है, पानी का वेग जो है वो पानी जो है नीचे की ओर आ रहा है लंबवत। देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर ये नीचे की तरफ है यू, मैन चल रहा है इधर वी से। अब अगर अपन इनकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो दोनों की रिलेटिव मतलब एक तरह से वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन या वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जिस डायरेक्शन में होगी, अपने को अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में रखना पड़ता है, यहाँ पर अम्ब्रेला की जगह जो है वो ट्यूब मान लो, ट्यूब के अंदर वाटर आकर गिर जाएगा। तो वी आर एम इक्वल टू होगा वी आर माइनस वी एम, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा। तो वी आर मतलब रेन वेलोसिटी, मतलब यू तो आपका डाउनवर्ड है, ये यू आपका डाउनवर्ड है, माइनस वी एम आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहे नीचे ट्रांसफर कर सकते हो वी आर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर अपन लेंगे इसका और ये आपको यू दे रखा है, वापस यहां पर आते हैं, ये आपको वी दे रखा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर अपन ये हॉरिजॉन्टल माने तो वर्टिकल से एंगल पूछा है थीटा, मतलब ये आपको एंगल पूछा है थीटा। ठीक है, या सीधा सा इसमें कर लो कि इनका दोनों का रिजल्टेंट इधर मान लो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, लो ये एंगल कितना आ गया थीटा। ठीक है, आपको टेन थीटा पूछा है तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी अपॉन यू, तो आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वी बाई यू। इससे करना चाहो तो इससे कर सकते हो, तो यहां पर भी वही। ठीक है, थीटा आपका आ गया, थीटा लोगे आप एंगल के सामने क्या परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा वी अपॉन यू, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो रेन वाले से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डी मोशन आपका, ठीक है, ताक्षणिक चाल वी जीरो एक धनात्मक स्थिरांक है, तो टू डी के अंदर ताक्षणिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पॉजिटिव जो है वो है कॉन्स्टेंट है, आवश्यक रूप से सही होगा, कण का त्वरण शून्य है कोई जरूरी नहीं, आवश्यक रूप से पूछा है, नियत है हो भी सकता है नहीं भी अपन नहीं कह सकते, कण का त्वरण आवश्यक रूप से, अगर प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रही हूं, ठीक है, इस टाइम पर यहां पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई या वेलोसिटी ये हो गई, इधर ये आ गई, एक्सीलरेशन डेफिनेटली इसका इसी प्लेन में आएगा, ए की वैल्यू चाहे वो हो किधर भी, अगर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी, अगर इसकी इसी प्लेन के अंदर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ए की डायरेक्शन इधर कहीं आएगी, एंगल थीटा 90 से ज्यादा आएगा, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वी और ए हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो अब ये होगा इसी प्लेन में, हो किस एंगल पे वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो है वो स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। 40, दो प्रक्षेप ए और बी क्रम से वी और वी बाई टू चालों से एक साथ फेंके जाते हैं, बी को 37 से 45 डिग्री पर, ए का प्रक्षेपण कौन पूछा है जबकि उनके परास समान है, तो परास ए और बी की इक्वल, रेंज अपन जानते हैं यू स्क्वायर, तो ए का स्पीड जो है वो वी है, तो वी साइन 2 थीटा अपॉन वी स्क्वायर साइन 2 इक्वल टू वी बाई टू साइन 2 × 45 बी के लिए और अपॉन जी, जी से जी कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, तो इधर बच गया साइन 2 थीटा, ये वी स्क्वायर बाई 4, ये 1 हो गया, ठीक है, तो 1/4 बचा, तो 2 थीटा की वैल्यू आपकी आ गई कितनी,
वी बाई टू से आपको फेंका जाता है 33 से 45 पर, ठीक है। ये वन हो ही गया, तो टू थीटा इक्वल टू आपका आ गया कौन सा, साइन इनवर्स 1/4, तो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 1/2, और साइन इनवर्स 1/4, तो आपका आंसर इसमें आना चाहिए सेकेंड। ओके, तो आपका आंसर इसके अंदर सेकेंड आएगा। ओके, फोर्टी वन, आपको इक्वेशन ये दे रखा है, इसका वेग पूछा है, प्रक्षेपण वेग। तो देखो यहां से अपन इक्वेशन जानते हैं, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स और 1 - x/r। तो यहां से अगर मैं रूट 3x को कॉमन लेता हूं तो ये आपके पास आएगा 1 - gx/√3। तो देखिए थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू तो आपके पास आ गई कितनी, √3, तो थीटा की वैल्यू तो आपके आ गई 60 डिग्री। उसके बाद बचा ये 1/r हो गया, मतलब r की वैल्यू आप अगर लिखोगे 1/r, तो r की वैल्यू आपके पास आ गई 2√3/g। r की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2θ 60/g, और ये आ गया 2√3/g, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, जी से जी तो हो गया कैंसिल, यू स्क्वायर साइन 120, साइन 120 की वैल्यू जो 60 की होती है √3/2, और यहाँ पर आपके पास है 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 4 यहाँ चला जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 m/s। ओके, तो आपका ऑप्शन आ गया सेकेंड। एक गेंद पी को ऊर्ध्वाधर रूप से गिराया जाता है, एक को गिराया, इनिशियल वेलोसिटी 0, समान ऊंचाई से समान समय पर उसी क्षैतिज रूप से फेंका गया, इधर यू से, इसकी भी अगर इधर यू से फेंका कि ठीक है क्षैतिज में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, इसको वी से फेंका तो इधर यू इक्वल टू 0 ही है। तो हॉरिजेंटल अगर आने का टाइम अपन देखें तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सेम होगा तो टाइम जो है दोनों को √t = √2s/g के इक्वल लगेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, 0, तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगी। ये कह रहा है ए और बी के बीच में एंगल, तो देखो एक कोई भी दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल उनके टेल से टेल या हेड से हेड मिलाने पर जो मिनिमम एंगल होता है, छोटा एंगल कह सकते हो आप, वो आपको कौन सा कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो यहां पर देखिए ये टेल से टेल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर टेल से टेल मिलने पर एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये वाला एंगल जो होगा ये इनके बीच का एंगल है, लेकिन ये बोल रहा है ये वाला थीटा है, ये गलत है। इसमें भी वही कंडीशन आ गई, यहां पर एंगल थीटा दे रखा है लेकिन यहां पर एक का टेल और एक का क्या मिल रहा है, हेड, तो ये थीटा भी नहीं हो सकता। यहां पर आप इन दोनों के हेड मिल रहे हैं, टेल मिलते तो भी ठीक था, तो हेड से हेड मिल रहे तो इनके बीच का छोटा एंगल यही है, क्योंकि बड़ा एंगल तो ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही, यहाँ हेड से हेड मिले या टेल से टेल मिले, उनके बीच का जो न्यूनतम छोटा कोण कह सकते हो आप, वो होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, ये आपको एक वी के अंदर इक्वेशन दे रखी है, आपको इक्वेशन पूछिए पाथ की, मतलब लोकस कह सकते हैं उसको, ये हमेशा क्या होगा x और y में रिलेशन। अब देखिए आपको v दे रखा है, i कैप और j कैप, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी कितनी है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी को लिखेंगे dx/dt, वो आपको 3 दे रखी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी dy/dt और वो आपको दे रखी है 6x। अपने को रिलेशन चाहिए x और y में, तो डिवाइड कर देते हैं इनको, तो dx/dt dy/dt ये आ गया 3/6x, dt कैंसिल, तो आपके पास देखो dx/dy ये आपके पास 1/2x बच गया। अब अपने को रिलेशन चाहिए x और y में, और आपको पास dx और dy है, तो डेफिनेटली अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इधर ले आते हैं 2x dx और इक्वल टू dy, 2 आपके पास कांस्टेंट है x dx, और ये कांस्टेंट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, ये आ गया dy 2x² / 2 और ये आ गया y, 2 से 2 कैंसिल, मतलब y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट। ओके होली भाई, दो बलों का सदिश योग उनके अंतर के लंबवत होता है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो, जीरो। तो दो फोर्स हैं एफ वन प्लस एफ टू परपेंडिकुलर है इनके डिफरेंस के, एफ वन माइनस एफ टू, और ये क्या होना चाहिए, जीरो। इसको अपन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया एफ वन स्क्वायर माइनस एफ टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आ गया एफ वन इक्वल टू एफ टू, मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो एक दूसरे के परिमाण बराबर होंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ओके, तो आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बाकी के जो भी पेपर हैं आप बड़े अच्छे से दें मन लगाकर। ओके, जय सी एल सी, थैंक यू।